and welcome to your one-stop guide to anything and everything related to cars and bikes. मैं हूं आपका होस्ट सैम और हाजिर हैं एक बार फिर एक पावर पैक एपिसोड के साथ. वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट ऑल अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द राइड. तो ये जो राइड है इसके सिलसिले को शुरू करते हैं. शुरुआत हम करेंगे Hyundai की नई Xcent के साथ और उसके बाद आपको ले चलेंगे कोयंबटूर के करी मोटर ट्रैक, जानेंगे वॉल्वो की S60 पोलस्टार में कितना है दम. इस वक्त फ्रेम में आप देख सकते हैं यो मोटर्स की रेनेगेड कमांडो. जी हाँ, एक उम्दा बाइक है. इसके रिव्यूज के लिए काफी टाइम से डिमांड भी आ रही है. उन सभी से मेरा वादा है कि बहुत जल्द इस बाइक को और इस बाइक के कंपैरिजन को हम आपके सामने लेकर आएंगे. लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे सब 4 मीटर सेडान्स के साथ. जी हाँ, वो मार्केट जो कि पिछले 2-3 महीनों से कुछ खास वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पा रहा, वजह कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर. जी हाँ, उन्हीं का जमाना है इस वक्त. लेकिन फिर भी कंपनीज ने हार नहीं मानी है, एक के बाद एक नए लॉन्चेस के लिए बिल्कुल तैयार है. कुछ ही हफ्तों पहले आई थी टाटा की टिगोर स्टाइल बैग, एक अच्छी गाड़ी, वेल डिजाइंड पैकेज, और अब आई है Hyundai की Xcent. जी हाँ, ये एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट है लेकिन गाड़ी में बहुत कुछ नया दिया गया है. और Hyundai एज वी नो इज फेमस फॉर फर्स्ट इन सेगमेंट चीजें. क्या क्या है खास इस गाड़ी में, लॉन्च से लेकर सड़क तक जानिए Hyundai Xcent. इस हफ्ते की सबसे बड़ी लॉन्च का है Hyundai की Xcent. जी हाँ, सब 4 मीटर सेडान है जो कि काफ़ी समय से बाजार में मौजूद है. ये मिड लाइफ फेसलिफ्ट है जो कि इस गाड़ी को दिया गया है, लेकिन अच्छा फेसलिफ्ट दिया गया है. ग्रैंड आइटन को अभी कुछ दिनों पहले फेसलिफ्ट दिया गया था लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं थी. इसमें अलग कहानी है, इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं. जी हाँ, तब्दीलियों के बारे में हम बताएं, उससे पहले ये एक बार बता दें आपको कि इसकी आखिर कीमत क्या है. जो इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है, जो शुरुआती कीमत है, वो अगर पुरानी Xcent से हम कंपेयर करें तो थोड़ा कम है. लेकिन अगर आप सबसे ऊपर के टॉप वेरिएंट की बात करें तो कहानी कुछ और है. 5.38 लाख, जी हाँ, पेट्रोल की जो बेस वेरियंट है उसकी कीमत है. और डीजल का जो टॉप वेरियंट है वो 8.31 लाख तक जाता है. यानी कि 6 वेरिएंट करीब आपके पेट्रोल में मौजूद हैं जिसमें ऑटोमेटिक शामिल है, और करीब 4 हैं जो कि डीजल में मौजूद हैं. गाड़ी में क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है. सबसे पहले तो चेहरा जो कि बदलना था, उस चेहरे को बदला बड़ी खूबसूरती से. आप देख सकते हैं ग्रिल को पूरी तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है. अब इसमें ग्रैंड आइटम की कहीं भी छाप नहीं नज़र आएगी आपको फ्रंट से. जी हाँ, अब आपको छाप दिखेगी इससे एक सेगमेंट ऊपर वाली गाड़ी यानी एलेंट्रा की. अब ये गाड़ी जो फैमिली सेडान कह सकते हैं लग रही है, एलेंट्रा वाली फैमिली को बिलोंग करती है. एक प्रीमियम हाई नीश लुक है जो कि इसमें मिल रहा है, ज़्यादा स्पोर्टी दिख रही है. उसी तरीके से रैप अराउंड टेल लैंप्स हैं, फॉग लाइट को रीडिज़ाइन किया गया है, और साथ में DRL जो कि आजकल फैशन सा है, हर गाड़ी में दिया जाता है, इसमें भी दिया गया, अच्छे लगते हैं. फर्स्ट इन सेगमेंट एक ऐसा टर्म है जो कि Hyundai अपने साथ एसोसिएट करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करता है, और सही भी है क्योंकि हर गाड़ी के साथ Hyundai कुछ ना कुछ नया ज़रूर डालता है. इस गाड़ी में भी ऐसे ही कई सारी नई चीज़ें डाली गई हैं इस फ्रंट के अलावा भी, जैसे नॉइस रिडक्शन के लिए एयर वेंट्स हैं जो कि दिए गए हैं. एलेंट्रा में भी दिए गए थे ताकि नॉइस उत्पन्न होती है उसको एयर वेंट काट सकें. ये जो एयर वेंट यहाँ पर दिए गए हैं, देश की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है मारुति, और दूसरे पायदान पर आते हैं Hyundai. और वॉल्यूम के मामले में इन दोनों की बादशाहत है इंडियन मार्केट में अगर कहें. उसकी वजह यही है कि इंडियन मार्केट को ये दोनों कंपनियां बेहद अच्छी तरीके से समझती हैं और कुछ ना कुछ नया लेकर आती हैं. इस गाड़ी में भी बहुत कुछ नया है. तकनीकी रूप से जो बदलाव किया गया है वो सबसे बड़ा ये है कि एक नए 1.2 लीटर के बड़े डीजल इंजन का इसमें इस्तेमाल किया गया. वही गाड़ी इस वक्त हम चला रहे हैं, पेट्रोल इंजन भी इसमें मौजूद है 1.2 लीटर का जो कि करीब 85 PS की पावर जनरेट करता है. 1.2 लीटर के U2 CRDI डीजल इंजन की अगर हम बात करें तो
75 PS की पावर जनरेट करती है, अच्छा खासा टॉर्क भी है जो कि आपको इस गाड़ी में मिलता है। पुरानी एक्सेंट से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा जब आप इस गाड़ी को सड़कों पर लेकर निकलेंगे, और इसीलिए हम इसे सड़क पर लेकर निकलें ताकि हम आप तक करेक्ट व्यू इसका जो है वो पहुंचा सकें। बहुत ज़्यादा समय हम इसके साथ नहीं बिता पा रहे, लेकिन इसका जब रोड टेस्ट करेंगे तो और बारीकी से हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन कुल मिला के अभी जो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन है वो यही कि डीजल के मामले में अच्छी माइलेज भी है, जो कि 17 के ऊपर की माइलेज है, जो कि आपको शायद ये डीजल इंजन दे देगा। उस हिसाब से गाड़ी किफ़ायती भी है। सबसे जो बड़ा बदलाव दिया गया वो है 7 इंच का टच स्क्रीन, जो कि डैशबोर्ड के साथ वेरी वेल इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा डुअल टोन है जो कि अब डैशबोर्ड आपको इसमें मिलेगा नई एक्सेंट में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे पहले मौजूद थे उसी तरीके से इसमें भी सभी मौजूद हैं। अच्छी सीटिंग पोजीशन, अच्छा कंफर्टेबल हेडरूम रियर पर पैसेंजर्स के लिए, ड्राइवर के लिए, सभी कुछ Hyundai की एक्सेंट मिलता है। ओवरऑल डायमेंशन में या किसी चीज़ में कोई बदलाव हुआ नहीं है, जो थोड़े बहुत बदलाव है हमने आपको बता दें। इस लिहाज से गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग में या फिर इंटीरियर कंफर्ट में आपको कुछ बहुत बड़े बड़े जो चेंजेस हैं वो नहीं मिलेंगे। ये जो कॉम्पैक्ट सेडान का मार्केट है ये खासकर भारतीय मार्केट के लिए ही तैयार किया गया था। इंडिगो ECS से इसकी कहानी शुरू हुई थी। 4 मीटर से छोटी ये गाड़ियां होती हैं और टैक्स में फायदा उठाने के लिए इनको बनाया गया। एक के बाद एक इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होते रहे और प्लेयर्स आते रहे। एक डजन से ज्यादा प्लेयर इस वक्त इस मार्केट में मौजूद है, यानी कि कॉम्पिटिशन बहुत है तगड़ा। सबसे जो लेटेस्ट कॉम्पिटिशन है वो है टाटा मोटर्स की टाइगो। जी हाँ, ये गाड़ी टियागो पर बेस्ड है। एक अच्छी वेल पैकेज्ड वेल डिजाइन गाड़ी है और कीमत जो है इसकी आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। एक अच्छा कॉम्पिटिशन है इस गाड़ी के लिए। इसके अलावा टाटा मोटर्स की जेस्ट मौजूद है जो कि एक वेल पैकेज्ड है, अच्छे ड्राइव ट्रेन्स उसमें दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल दोनों में मौजूद है, काफ़ी सारे वेरियंट भी हैं और ऑटोमेटिक भी हैं। ये जो ऑटोमेटिक का वेरिएंट है ये ज़्यादातर सभी सब 4 मीटर गाड़ियों में मौजूद है। इसके अलावा ड्राइवर्स कार कहने जाने वाली इस सेगमेंट की जो सबसे अच्छी गाड़ी कह सकते हैं कई सारे पैमानों पर, वो है फोर्ड की एस्पायर जो कि मौजूद है। बहुत ही डिसेंट गाड़ी है और सबसे अच्छी ड्राइवर सेंट्रिक गाड़ी है, गलत ना होगा। माइलेज के हिसाब से होंडा की अमेज जो कि लोगों को बहुत पसंद है, उसका जो डीजल इंजन है 1.5 लीटर का बहुत किफ़ायती है। कीमत आप इस वक्त उसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे टफ और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपटीशन जो मौजूद है वो कंपटीशन एक नए अंदाज में बहुत जल्द आने वाला है। अगले महीने शायद वो गाड़ी लॉन्च भी होने वाली है, वो है मारुति की डिज़ायर। जी हाँ, मारुति की डिज़ायर, कीमत बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यही गाड़ी है जो कि जनरेट करती है। प्रैक्टिकली इसमें सब कुछ मौजूद है और सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब बनता है Hyundai की एक्सेंट के लिए वो शायद यही गाड़ी है। कुल मिला के Hyundai की एक्सेंट एक वेल मैनेज पैकेज है, अच्छा पैकेज है। अब तक फ्लीट ओनर्स के साथ साथ प्राइवेट ओनर्स दोनों को पसंद आती थी, अब भी वो गाड़ी में वो सभी एलिमेंट्स मौजूद हैं और शायद अब फ्लीट ओनर से ज़्यादा प्राइवेट ओनर्स को ये गाड़ी फैमिली को ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे नए प्रीमियम फीचर्स हैं जो कि ऐड किए गए हैं।